सारण जिला के मकेर पीएचसी के समीप स्थित मेहता कॉम्प्लेक्स में जन सुराज की संगोष्ठी प्रखंड अध्यक्ष नागेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। संगोष्ठी में जिलाध्यक्ष राम पुकार मेहता ने पार्टी की विस्तार करने पर चर्चा, जन सुराज अभियान को घर घर तक पहुंचाने, नव मनोनीत पदाधिकारी से परिचय पात्र करने, प्रखंड स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने तथा पद के अनुसार कार्य का दायित्व का निर्वाह करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की किया। संगोष्ठी में जिला प्रभारी अशोक सिंह, जिला सभापति अशोक कुमार सिंह, जिला युवा अध्यक्ष संगम बाबा, महिला प्रवक्ता मनोरमा कुमारी, चंदन कुमार सिंह, ममता देवी आदि ने अपना विचार प्रकट करते हुए पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत बनाने समेत कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। संगोष्ठी में छठा मांझी, शिव पूजन साह, अजय सोनी, शहादत अली, शिव मंगलपुरी, मुकेश महतो, राम बाबू सहनी समेत सैकड़ों महिला पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। D11 टीवी के लिए मकेर से पप्पू मिश्रा की रिपोर्ट। था कि जनता को आपस में जोड़, जनता को जोड़ जन और जन सुराज के कार्यों को, नीतियों को जनता से अवगत कराना, गांव-गांव में इसका प्रचार करना, प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करना। उन्होंने नई एक व्यवस्था शुरू किया है, उसके साथ जनता को क्या संदेश देंगे? जितना से जितना हो वो जन सुराज से जुड़े और अपने विकास के लिए, के हितों के लिए, अपने हितों के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। अपने विधायक से पूछें कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके विकास के लिए क्या किया। ये 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ देने से उसके हर हाथ को, मेरा कहना कि हर पेट को रोटी और हर हाथ को काम हो, हर पेट को रोटी मिले और सर आपका परिचय? मैं जन सुराज का जिला प्रभारी हूँ, मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। क्या संदेश देंगे जनता को? प्रखंड पदाधिकारियों की सूची जारी हुई है, जिसमें मकेर प्रखंड में भी सभापति, अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी का नाम सूचीबद्ध हुआ है। उसी के तहत हम लोग बैठक किए हैं, हम जिला कमेटी के लोग, इन लोगों के साथ, मकेर के लोगों के साथ हमने बैठक किया है और आगे की रणनीति हम लोगों ने तय की है कि अब गांव में जाके जो लोग अभी तक प्रशांत किशोर जी के बातों को नहीं जान सके हैं और उद्देश्य जन सुराज के उद्देश्य से परिचित नहीं हैं, उन लोगों को जाके बताना कि हम लोग व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं और आपके बच्चों को सुरक्षा और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आए हैं। संदेश क्या देंगे? जन सुराज का मुख्य संदेश क्या है? जन सुराज का मुख्य संदेश है आप स्वयं खड़ा हों और जनता का सुंदर राज बनाएं, जनता का सुंदर राज स्थापित करें, यही जन सुराज का उद्देश्य है। सर आपका परिचय? मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार सिंह मुन्ना भवानी हुआ, मैं एकमा से आता हूँ और जन सुराज में जिला अभियान समिति का अध्यक्ष हूँ, वही मुझे जिम्मेदारी दी गई। तो सरकार को बाकी ये रोड बनाना कमीशन का, ये सरकार का काम, स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ के पेड़ कमीशन दे। मैं बच्चा था, मेरे पिताजी स्थित थे पटना में, हम लोग के सबका इलाज PHCH में होता था, घर गरीब बात डिस्पेंसरी होता था और गांव में जो रघुनाथपुर में स्कूल था, हॉस्पिटल था, वहाँ भी लाल रंग का पुर्जा दवा, सरकारी अस्पताल, कोई प्राइवेट अस्पताल। हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा, क्यों बढ़ा? इसके अंदर जा गया हम 10 रुपया 50 पैसा दे के मेरे पिताजी सामने हमारे बैठे हुए हैं मुखिया जी, सरपंच साहब और जन सुराज साहब के अपने साथियों। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह, मेरा घर पिथौरा मरेगा और मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। आने की स्थिति में नहीं था मेरा परिचय, कुछ खराब है और मेरे परिवार में 10 कर्म का चल रहा है, लेकिन प्रशांत जी और जन सुराज से जुड़ाव हो गया है,
लगता है जनता पार्टी जनता दल जन मोर्चा में किसी राष्ट्रीय जनता दल असर पर Oh yeah.